लाइव हेलो गुड कैसे आप सभी मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं जीएस प्लेनेट के सभी क्रांतिकारी स्टूडेंट्स का जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर तो मेरे जो भी लाडले बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं प्लीज शेयर दिस सेशन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक बार मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा कि एवरीथिंग इज क्लियर एंड परफेक्ट सब कुछ क्लियरली और परफेक्टली चल रहा है नहीं चल रहा माहिरा सिमरन अंजलि मिस मनु दीपा प्रजापति लक्ष्य लबानिया जी रवीना बिस्नोई मुस्कान जी मिस्टर हेमराज जी मोनिका शर्मा सारे बच्चे धीरे 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 इस लाइव सेशन में रोजी मतलब गुलाब या गुलाबी क्या नाम रखा आपने बेटा अपना रोजी तो शायद फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोन थी जिसका नाम था भेड़ उसी का नाम था आई थिंक राजस्थानी गौरव सिमरन हर्ष जीएस प्लेनेट उदित सब बच्चों को बस गुड इवनिंग भाई सारे क्रांतिकारी स्टूडेंटन को शेयर कर दो नोटिफिकेशन भेज दो ऐप पे सब जगह जहां भेज सकते हो धमाल मचाएंगे और ये जो बच्चे 2023 के लिए आपके घर में कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो उनको अभी से कोर्स दिला दो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है आठ सौ इक्यावन रुपए के कोर्स का और जिसको रिकॉर्डेड लेना है वो चार सौ इक्यावन रुपए का ले सकता है ऐप के अंदर अवेलेबल है चले बेटा आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं आज के एक हजार क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हमें एक हजार क्वेश्चन करवाने हैं आपके एग्जाम से पहले उसका आज छब्बीसवा क्वेश्चन है ट्वेंटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है तो एक बार सारे बच्चे बता दो कि सर हम रेडी हैं छब्बीस क्वेश्चन ऐसे करते करते जल्द ही गाड़ी आपकी वन थाउजेंड पे पहुंचा दूंगा बीच बीच में मैराथन भी लूंगा और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है ठीक है बेटा सारे क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है फोकस करो भाई जय श्री राम ठीक है जी तो क्वेश्चन पढ़े बेटा पहला ही क्वेश्चन होस्ट उड़ा देने वाला Vector. में से कौन सा पहचान स्थल के एम्पलिस जिनमें से उपस्थित होता है बी एम एच देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कंफ्यूज होंगे बच्चे मैं बता दू यहां रेस्टिकेशन साइट है ध्यान से सुनना प्रतिरोधी जो साइट है उसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन तो को समझना बेटा गलती करेंगे मुझे पता है उसकी अगर हम बात करें वो किसके साथ है? कौन सी एम्प्लीसिन पीबीआर 322 तो यहां ये एक एंटीबायोटिक होती है एम्प्लीसीन उस पीबीआर 322 की के वैक्टर के साथ कौन सा प्रेजेंट होगा बी एम एच आई पी एस टी हटा दो पी एच टी फर्स्ट है अंजलि e. जी नमस्ते सर छब्बीसवे का सी जी एस प्लेन के लार्डली सर बी कनक कवर सर बी वाह वाह क्या बात है क्या जोश है तुम्हारे में मेरा पहला ही क्वेश्चन अगर पूछा गया क्वेश्चन किसके साथ है बेटा के साथ टेट्रासाइक्लिन के साथ, साथ नहीं पूछा गया तब हम आंसर क्या देख रहे, है? रहे हैं पीएसटी फर्स्ट अन्य आ रहे हैं तो ये सारे आई फर्स्ट हो गया इकोलाई हो, हो गया हिंड थर्ड हो गया क्वेश्चन सही किया मान गए अगला क्वेश्चन भी बायोटेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन बीच ऑफ एंडोन्यूक्लिएज नॉट प्रोड्यूस एंड टीकी एंड कौन यहां पर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है भी भी अरे ऐसे इसका बताओ किसका नंबर ट्वेंटी सेवन स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस नहीं कर रहा टीकी एंड किसको बोलते हैं दोस्तों अरे दोस्तों टीकी एंड क्या होता है एंड प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर डीएनए भाई जो एंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो लीनियर डीएनए की वो अतिस्थिक एंड तो यहाँ कौन सा आएगा 27 सर डी 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 क्या बात है अरे ओ एचजी कौन सा स्कैम कर दिया लैब असिस्टेंट के अरमी सुन लेगा मेरे से तो फालतू में मुझसे कुछ निकलवाएगा पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट आप ओपन करके देखना अब तुम लोगों से तुम्हारे चैनल चल नहीं रहे अब तुम्हें लगता है कि सामने वाले नर्सिंग के ऊपर भी अच्छे से काम करने लगे बच्चों को बहुत अच्छे से टेस्टरीज दे रहे हैं हैं बोलने से पहले हद होती है कुछ भी होम साइंस का बैच था जिसमें जिसका रिजल्ट आया था होम साइंस अकेले मैंने आंसरने पढ़ाई थी और उसमें से 28 सीट में से पांच बच्चे तो सिलेक्ट हुए ऑल आवर राजस्थान के अंदर जो 28 सीट थी ठीक है और लैब असिस्टेंट का साइंस का रिजल्ट आने दो तब बताऊंगा तुम्हारी बोली तब बंद हो गया ऐसे फालतू की बकवास करने मतलब तो कबूतर फड़फड़ाते रहते, रहते हैं 24 घंटे <laughs> स्कैम करने वाले यहां सामने खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रहे नहीं होते बेटा ठीक है ना कर रहा ठीक है तो एंड प्रोडक्ट पूछा है बेटा sticky end वाला तो वो कौन सा जाएगा हिंड सेकंड जाएगा ना कि ठीक है किस <laughs> टाइम तो तुम जिससे पढ़ रहे हो ना बेटा उसने किया था अगर एक भी सिलेबस चेंज होने के बाद 19 अप्रैल के बाद अगर उस माइके लाल ने या जो सुनेंगे मेरे से अगर क्लास डाल रखी हो तो यूट्यूब पे और सरियाम मैंने बारह बारह घंटे के देना बारह घंटे लगातार नहीं होती है ऐसे चिल्लाने से नहीं होता कि वो कर दिया वो कर दिया वो कर दिया हद यार, कुछ भी हद होती है, कुछ भी किस्तन बताओ भाई जीन एम्पली ठीक यूजिंग प्राइमर कैन बी डन बाय प्राइमर का उपयोग करके जीन प्रवर्धन किसके द्वारा किया जा सकता है एलिजा पीसीआर जीन गम या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल तरीके से इंक्रीज किए जाएं उसको हम लोग क्या कहते हैं आने दो कबूतर एक नहीं हजार आएंगे तो फड़फड़ाते रहेंगे आंसर बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन बी, बी 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 बिल्कुल 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 जीन की कॉपी विदाउट चेंजी जीन अदर जीन्स भाई जीन अदर दूसरे जीन्स के अंदर कोई भी चेंजेज किए बिना जीन की कॉपी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से होती है इसके अंदर एक साथ डीएनए के हजार हजार कॉपीज हो जाती है बेटा ठीक है इट इज आल्सो नोन एज द जीन एम्प्लीफिकेशन कॉपी ऑफ जीन जीन टोटल नंबर ऑफ जीन्स की कॉपी हम कोई भी साइड में चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं ठीक है ठीक है बी 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 गुड 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 अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नहीं आज तो मतलब तुम्हारे दिमाग की जो नशे है ना शांत बैठी उनको खोलने के लिए आया बेटा हूं हूंजा क्या होता है एंटीजन या एग्लूटेशन एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी इंटर एक्शन प्रोटीन या all. Elijah, हम टेस्ट करवाते हैं किसका एड्स का एक्वाड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम में एच वायरस का ह्यूमन के अंदर पता करवाने के लिए हम इलाइजा टेस्ट करवाते हैं तो वो क्या होता है इलाइजा एक एंटीजन होता है या एंटीबॉडी होता है या एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है गिव द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बच्चों को पैसे लोट गाड़ी कर ली ये भी तुम्हें जलन हो रही है आराम हद हो तो गई वो जब किसी की कामयाबी देखी नहीं जाती ना तब उसकी बुराइयां करने शुरू हो जाते हैं वही चीज है <laughs> बेटा मैं तेरे को ब्लॉक नहीं करूं तेरे मन में जो जो है ना निकाल ले बढ़ा तू जो चाहता है वो लिख ले क्योंकि तो पता है यूट्यूब के ऊपर है ऐसे तुम्हारी तो कुछ है नहीं बोलने की गाड़ी खरीद ली गाड़ी बेटा मेहनत से खरीदी जाती है ठीक है ना ऐसे तुम खरीद के दिखा दू ये पढ़ाना लूटना है तो फिर दुनिया लूट ही रही <laughs> कुछ भी मतलब तू पक्का मेरा तू पक्का मेरा जानकार है कोई ना कोई ठीक <laughs> है नहीं इनको इतने लोगों को नहीं पता मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अब वाह एकदम राइट बी 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 अरे उठा के फेंकूंगा सारे जीएस प्लेनेट के बच्चों को तुम मूर्ख हो तुम भी अब मेरे से सुनने का काम करो इस पे बी लगा रहे एक ने भी कर दिया तो क्या भाई सारा इस सत्य मैं हमेशा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो यहाँ डीएनए नहीं यहाँ एंटीबॉडी इंटरेक्शन और प्रोटीन आएगा सी आएगा बी कैसे कर रहे हो इलाइजा इज बेस्ड ऑन खालिस्तान एंड यूज टू डिटेक्ट खालिस्तान ठीक है तो इलाइजा क्या होता है बेटा एंटीजन होता है क्यों क्योंकि एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनाएंगे उसके बाद यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडी इंटरक्शन एंड जो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है कौन एच वायरस उसके लिए ये चार्टर डिजिटल थप्पड़ उठा के फेंकूंगा तो मैं गलत कर रहे हो क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो शायद बताए दोगे क्वेश्चन भी तो आज अच्छे दे दिए ना मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया सारे क्वेश्चन अच्छे हैं फ्रेश कल्चर मीडियम अरे क्या हो रहा है फ्रेश कल्चर मीडियम एडिड ड्यूरिंग कल्चरिंग बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन सर्वर्धन माध्यम को सर्वर्धन प्रक्रिया के समय जोड़ा जाता है क्योंकि यह मददगार होता है टू प्रोवाइड साल्ट टू रिटेन सेल्स फिजियोलॉजिकली एक्टिव टू इंक्रीज पीएच टू इंक्रीज टेम्परेचर भाई तो सौ प्लस तो कर दिए तुमने आज विरोधियों को तुम्हें दिखाना है दो सौ प्लस करके आज की क्लास में आज की क्लास में कल बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी कल रियली में दिक्कत हुई थी कि इन आदमी के साथ ये इतने बड़ा चैनल खराब होने के बाद भी ये आदमी काम कर रहा है और ये भी इतना अच्छा चैनल बच्चे इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं मतलब टॉर्चर करना शुरू किया जाए क्यों कुछ ऐसे स्टिकी कॉमेंट्स डाले जाए लेकिन बेटा कभी नहीं होता है ऐसे करने दो इसका आंसर देने की तो थर्टी नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल 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 अब की बार सारे बच्चे से बता रहे हैं सही क्वेश्चन बताया आपने कि जो फ्रेश कल्चर मीडियम है ड्यूरिंग कल्चरिंग मीडियम के समय हेल्पफुल क्यों होता है किस चीज के लिए तो रिटेन सेल्फ फिजियोलॉजिकल एक्टिव भाई आप अगर फ्रेश कल्चर एडिट नहीं करोगे तो सेल्फ फ्रेशली रिएक्टिव नहीं होंगी मतलब आपके क्या नहीं होंगी फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होंगी और जब भी एक्टिव नहीं होंगी तो फिर कल्चर में काय की ग्रोथ होगी रे भाई ग्रोथ खत्म हो जाएगी उस मीडियम के अंदर ठीक है इसलिए क्या किया जाता है फ्रेश कल्चर मीडियम एड किया जाता है अगला क्वेश्चन है ना कुछ अलग है स्पेशल क्वेश्चन है इसका हिंदी में नहीं दिया क्या दे रखा दे रखा दे रखा क्वेश्चन बड़ा है क्वेश्चन इकोलॉजी का है सोच समझ के देना है गलत नहीं करना है बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रेट इज फास्टर बहन अपघटन दर तीव्र होती है जब जब एनर्बिक कंडीशन प्रेजेंट हो अंडर वार्म इन्वायरमेंट मोस्ट मेंट या डिट्रियस इज रिच इन लिग्निन अप्रदमीन लिग्निन प्रचुरता हो तो डिकम्पोजिशन मतलब जो डिकम्पोजिशन रेट है उसकी बात हो रही है यहां पे बच्चे आंसर देने की कोशिश करो गलत नहीं क्वेश्चन अच्छा है पढ़ो और सोच तो समझकर इसका आंसर दो हल्के क्वेश्चन लेके आते हैं ये आप देखो एच दूसरी कोचिंग का नाम लेके आ गया सभी उस कोचिंग का कोर्स खरीदे अगर अच्छे लेवल की तैयारी करनी है बेटा प्रमोशन करने के लिए जीएस एस प्लेनेट मिलता है क्या तुम्हें है कर लो भाई <laughs> अरे यहाँ तुम मूर्खो कुछ भी कमेंट कर रही करने तो इनको फालतू का <laughs> दुनिया नेम चेंज करने से कुछ थोड़ी हो जाता है फोटो सकल भी चेंज होनी चाहिए तुम्हारी है सकल तो, अरकते तो है तो वही रहेगी कबूतर वाली आंसर दो बेटा इसका सर डी ऑप्शन तो बताओ डी ऑप्शन छोड़ो डी आंसर ही नहीं है डी आंसर ही नहीं है क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो बी आंसर जाएगा क्योंकि अंडर वार्म इन्वायरमेंट बहुत अधिक मतलब उष्ण वातावरण हो और उसके अलावा मोइस्ट आदरता ज्यादा हो तो डी कंपोजिशन रेट वो क्या होगी बेटा तेज होगी अगर एनरबिक कंडीशन प्रजेंट हुई तो ऑक्सीजन नहीं हुई सर्वाइवल कंडीशन नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी हुई तो किस तरीके से डिकम्पोजिशन रेट क्या बढ़ पाएगी नहीं जी डिट्रेस रीच इन लगने न, अगर ये होगा तो भी नहीं हो पाएगी तो ये बी और सी वाले बोथ ऑप्शन सही हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन के अंदर अगला क्वेश्चन है स्टैंडिंग क्रॉप इज सस्ते फसल है बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कई बार रिपीटेड और फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है नीट का अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई स्टैंडिंग क्रॉप एनसीआरटी की सीधी लाइन उठाई है तुम्हें मालूम भी नहीं है भाई सेशन को शेयर करो बच्चों। दोस्तों प्लस करनी कहा एनर्जी डाउन रखी है क्वेश्चन आसान लेके आऊंगे और मैं तो सोच रहा हूँ की टेंशन मुझे कम कंटेंट देने पे ज़्यादा ध्यान दो लेकिन तुम्हें लगता है कि आसान, आसान रहे, आते रहेंगे हमें आते रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप रहेगा ना बच्चा कॉन्फिडेंस से पहले आपको एग्जाम में पास होना है अब आए बात ये सर आर के कुमावत मोनिका शर्मा साक्षी महेश चंद महिपाल मिस्टर हेमराज प्रिया कुमावत सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं सर बिल्कुल सही बात है कि लिविंग बायास इन ए यूनिट एरिया एट पर्टिकुलर टाइम Amount of dry कैसे हो जाएगा? नहीं, जिसको हम बोलेंगे उसका मतलब क्या हुआ? कि दोबारा याद रख लेना किसकी बात हो रही है दोस्तों लिविंग बायोमास की बात हो रही है किसमें एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के समय इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप इकोलॉजी का क्वेश्चन है फेवरेट क्वेश्चन है नीट का यहां से से इकोलॉजी आपके अगर आप नीट की प्रिपेयर करते हो तो यहां से 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में एवरेज आता हर बार है फर्टिलाइजर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने जैविक खाद के रूप में सम्मिलित कौन होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं राइजोबियम होते हैं माइक्रोराइजर होता है ट्राइकोडर्मा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी एजोबैक्टर होता है ब्लू ग्रीन एल्बी या फिर राइज़ोबियम होते हैं या फिर बेसिलस थुरिंजिस होते हैं या ऑल ऑफ दी अबव बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में सर मैं दो मिनट में मेरे एक दोस्त को लाता हूँ, ऐसे सारे अपने दोस्त को लाएंगे तो फिर मजा नहीं आ जाएगा निस्तमनु हेलो हेलो बेटा पढ़ ले आंसर दो भाई बायोफर्टिलाइजर जैविक खाद के रूप में कौन कौन इंक्लूड है डी 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 अरे मूर्खो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो किसने से बताया है महिपाल गुड मेरे प्यारे बच्चे ए वाले बच्चे सही है बाकी सब गलत बता रहे इसलिए तो कह रहा हूं तुम्हें ये एक हजार एमसीक्यू लगाने की सख्त जरूरत है कहीं से भी पढ़ाओ एक बार यहाँ आओ आपको कितना कंटेंट में पढ़ाया था वो सब पता लग जाएगा यहाँ पर जैविक खाद के रूप में सम्मिलित कौन होते हैं दोस्तों ब्लू ग्रीन एलगी राइजोबियम एंड माइकोराइजा आपने ब्लू ग्रीन एलगी राइजोबियम बेसिल थ्रेंजिस बीटी क्यों कर दिया बेटा बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हा? हम जैविक खाद के रूप में बात कर रहे हैं बीजीए राइजोबियम माइकोराइजा ए आएगा ध्यान से पढ़ा करो दोस्तों किस को ध्यान से ऐसे तुक्के नहीं मारने हवा में थर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग एंजाइम आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट से कौन सा एंजाइम अपमार्जक के निर्माण में भाई यहां पर हमें उस एंजाइम का नाम बताना है प्यारे बच्चों जो मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट के रूप में यूज होता है प्रोटीएज ग्लूको लाइपेज या फिर lactase, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब सब ए लिखने लग गए कॉपी करके बिल्कुल भाई कॉपी करके ए लिख रहे हैं सब अब एक दूसरे की कॉपी नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे सर मेरा राइट था अच्छी बात है बताओ बेटा कि कौन से जो मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स के रूप में यूज होते हैं प्रोटीज लाइपेज लाइप सी 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 गुड 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 कीप इट अप लाइपेज लाइपेज क्या होता है एक लाइपेज होता है एक लाइगेज होता है बोथ आर डिफरेंट लाइपेज यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज के यूज हो रहा है यहां पर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट के रूप में तो यूज हो रहा है और लाइपेज हमारे अमाते में भी रिलीज होता है ठीक है विच माइक्रोब्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बियर भाई वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसका निर्माण बीयर निर्माण के लिए करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन है इसलिए प्यारे बच्चों आपको जरूरत है इस क्लास की आंसर देने की कोशिश करना थर्टी फाइव का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वायरस फंगस या ऑल ऑफ दीज किसका ये तो गलत कर ही नहीं सकते हाँ सर मैदान फतेह बिल्कुल हो सकता है मैदान फतेह कर लोगे बिल्कुल सही बता रहे बच्चों सी फंगस फंगस क्या कौन सी फंगस पूछी जाए तो माइसिस जो फंजाई होती है उसका निर्माण किस रूप में किया जाता है एक बीयर के प्रोडक्शन में किया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी नहीं वायरस से नहीं इनसे नहीं बनती फंजाई से बनती है कवक से ठीक है हाँ गुड इवनिंग टू एवरी वन गुड इवनिंग भाई बहुत सही बता रहे हो अब और भी अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो जो फंजाई भी दो प्रकार की होती है एक होती है यूनिसेलुलर और एक होती है मल्टीसेलुलर एक होती है बहु के और एक होती है प्यारे बच्चों एक कोशी के एक कोशी के जो एकमात्र फंजाई होती है जिसका नाम होता है ईस्ट जिसको हम हिंदी में खमीर बोलते हैं ये ईस्ट फंजाई जो होती है इस फंजाई का यूज भी आता है कहां पर ईष्ट फंजाई का यूज कहाँ आता है विटामिन बी सबसे ज्यादा इसके अंदर मिलता है किसके अंदर ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं किणवन की प्रक्रिया उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है दोस्तों ईस्ट का होता है याद रख लेना एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है ईस्ट क्लास <laughs> <खिलाक> बेटा <laughs> फिर से नाम चेंज कर लिया तो आने दो उस कोचिंग पे जाओ उस पे जाओ अरे भाई जिसको जाना वो जाए जिसको आना है वो आए हमें तो तलाश है उन शख्स की जो हमारे साथ केवल सिलेक्शन तक रुक जाए ठीक है भटकने वालों को बस उतना ही मिलता है जो एक बार इधर मुंह मारता है एक बार उधर मुंह मारता है उनको आदत हो जाती है मुंह मारने की कुछ नहीं होता है ठीक है एक जगह रखो दिल भी एक से लगाओ मोहब्बत भी एक से करो दस से मोहब्बत करोगे तो जिंदगी है ना जो जिंदगी है ना वो झंड हो जाएगी तुम्हारी धन्यवाद सर जी धन्यवाद ऋषि सर बहुत ही धन्यवाद थैंक यू सो मच ऋषि सर थैंक यू सो मच ठीक है तीसवा क्वेश्चन ये द फॉलोइंग फिगर शो नि चित्र प्रदर्शित करता है क्या तो कर रहा है ये डायग्राम है पिग फ्लोवर इज पोलिनेटेड बाय मौत युका फ्लोवर इज पोलिनेटेड बाय वास्प ऑर्किड फ्लोवर इज पोलिनेटेड बाय पेटी और फिगर जो शो करी इज पोलिनेटेड बाय वास्प बहुत अच्छा बहुत अच्छा आंसर बताओ तुम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कमेंट तुम्हारे पढ़ रहा हूं अब तुम कमेंट करो तुम इतने कमेंट करो आंसर के इतने कमेंट करो कि जो फालतू के कमेंट है ना दिखे नहीं थर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है डायग्राम आपके सामने शो कर रहा है हमें बताना है ये क्या शो करता है यहाँ पर जो ऑर्किड्स है ओपरेज फ्लोर इज पोलिनेटेड बाई पेट्टी बोले तो बी बेटी क्यों लिख दिया बेटा हम मरवाएगा तो मुझे बी मक्खी के द्वारा और एक चीज है यहां पर कौन सा पोलिनेशन हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन होता है इसमें बी क्यू बता रहे हो बेटा बी नहीं आएगा सी आएगा बी किस आधार फ्लोरी बर के आदात में मन नहीं कर रहा सुनो 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 कल परसों में कल तो नहीं परसों अभी तो रुक जाओ अब इस चीज को भी लोग कॉपी कर लेंगे तो करने दो घंटा ही फर्क नहीं पड़ता ध्यान देना था आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट तैयार करवाए हैं मैंने दस मॉडल टेस्ट पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके लिए ये सबको मैं फ्री दूंगा कोई चार्ज नहीं है और इनकी फ्री मॉडल टेस्ट पेपर है। एक मॉडल टेस्ट पेपर में आपके एग्जाम में जैसे सो क्वेश्चन आते हैं ना वैसे सो क्वेश्चन आएंगे ईमानदारी से पढ़ना आज कितनी तारीख को हो गई है बीस कल इक्कीस बाईस तारीख को बाईस सितंबर से, से बोले तो परसों से शाम को साढ़े चार बजे से शुरू होगा साढ़े चार बजे से मॉडल टेस्ट पेपर शुरू होगा साढ़े चार से साढ़े नौ बज सकते हैं रात के क्योंकि साढ़े चार बजे आपके सामने नए सर आएंगे तैतीस क्वेश्चन लेके और साढ़े चार बजे से साढ़े छः के अराउंड उनके लगभग तैतीस क्वेश्चन दो घंटे मान के चलो केमिस्ट्री के फिर साढ़े पाँच या साढ़े छः सवा छः के लगभग फिर आपके सामने दीपक सर आ जाएंगे तैतीस क्वेश्चन इसके लेके और फिर उसके बाद आठ सवा आठ बजे परसों में आऊँगा आपके मॉडल टेस्ट पेपर में जो आपके चौंतीस क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है वो जो आपके वो और फिर ये मॉडल टेस्ट पेपर सोल्यूशन करवा के अच्छे से और फिर आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा आप उसको प्रिंट निकलवा लेना जैसे मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं सारी पीडीएफ राफेल सीरीज के आप लोगों को फ्री में भेज दूंगा मैंने भेज दी है ठीक है जी बहुत बढ़िया सरप्राइजेज है लोग इसको कॉपी करेंगे करने दो घंटा ही फर्क नहीं पड़ता हमें हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं करेंगे और करते रहेंगे क्यों क्योंकि ये जो चीज है ना दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है फ्री नर्सिंग के ये बहुत मेहनत से बना रहा हूँ बेटा एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने बायोलॉजी के एक एक क्वेश्चन दीपक सर ने सिलेक्ट किए एक एक क्वेश्चन नायन सर ने जिनकी अप्रोक्सीमेटली आइडिया है कि इस बार एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे तो एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर जैसा माहौल आपको यहीं करवा देंगे ये सोच

येस्टल होने जा रहा है तो बहुत बेहतरीन चीज है ठीक है तो कंप्लीट सिलेबस का एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर जैसा सॉल्यूशन मंडे को करवाऊंगा मतलब कल के बुधवार परशु बृहस्पतिवार को ठीक है और सब होगा आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज तो क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है क्वेश्चन ये दे रखा है डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में ए बी आर रेस्पेक्टिवली है ए ये दे रखा है बी ये दे रखा है में इसमें बताना है कि जो ए है वो डिजोल ऑक्सीजन एंड बी क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ए क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बी क्या है डिजोल्ड ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चार ऑप्शन आपके सामने है चारों में से आपको आंसर देना है नकल करने के लिए भी अक्कल की जरूरत होती है वरना सकल बिगड़ सकती है वो भी उसके पास नहीं है वाह भाई वाह क्या डायलॉग मारा है जी पढ़ 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 लो 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 आंसर दो दो सारे प्यारे बच्चे थर्टी सेवन नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो वाह लो वाह क्या प्यार दे रहे हो आंसर दो बट प्यार से काम नहीं चलेगा सही आंसर देना है बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑक्सीजन ए क्या है ए लेवल क्या है किसका बीओडी का लेवल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का और यहां से जो बी वाली लाइन जा रही है वो डिजोल ऑक्सीजन है सेकंड राइट आंसर जाएगा बिल्कुल प्योरली एनसीआरटी का डायग्राम में बनाया हुआ है मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कुछ नहीं कर पा रहे कंफ्यूजन जगत से परेशान हो NCRT पढ़ लो सच बता रहा हूं और आज से जो बच्चे लाइव देख रहे हैं सच जिस चीज को आप मानते हो अपनी लाइफ में कसम खा लो अगले बीस दिन तक फालतू की चीजों को छोड़कर कम से कम दस आवर्स पढ़ना शुरू कर दो बेटा दस आवर्स मिनिमम सारे जो तुम्हारे शौक पाल रखे हैं वाट्स के बाबू के सोना के मोना के इधर का उधर का चक्कर ये चक्कर वो चक्कर इसका उसका सब फालतू की चीजें छोड़ दो केवल केवल स्टडी अगले 20 दिन में ये जो 20 दिन है अभी आपने खूब पढ़ा पिछले कई सालों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अब जो आप इस समय रेगुलरिटी के साथ फ्रेश माइंड से मतलब ऐसे अच्छे से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे बेटा कोई बात नहीं आपका नेटवर्क हो रहा है ठीक है थर्टी एट नंबर का क्वेश्चन क्या है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इन ग्रीन हाउस गैस बहुत अच्छा क्वेश्चन है इकोलॉजी का कि यहाँ सारी की सारी गैसेज इकोलॉजी जो इकोलॉजी के अंदर लिख रहा है यहाँ सारी की सारी गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है बट कार्बन डाइऑक्साइड, एन CH4, थ्री सी एच फोर मिथेन एनओ टू कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है बेटा कब्बू को परमानेंट ब्लॉक कर दिया फालतू तो कमेंट थोड़ी सुने जाएंगे किसी के डाल दी चंचल जी पीडीएफ और कैसे डाले अमिताभ चौधरी जी कह रही है सर जी डी कौन करे दम है तो कॉल कर भाई किसको कॉल करो किसमें कितना दम है <laughs> क्या है यार तुम भी फालतू चक्रों की क्यों पढ़ते हो एच थ्री अमोनिया मूर्ख हो अरे भाई साहब कॉपी मत मारो मत मारो मत मारो दूसरों की आदत मत अपनाओ डी डी कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड कर रहा है कर रहा कर रहा, कर रहा कहां से आ जाएगा बेटा थ्री नहीं है इफेक्ट गैस है मीथेन है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है बट अमोनिया नहीं है क्या है यार तुम भी गुस्सा दिलाते हो अपने सर को कल आंसर देखे कवर करने हैं अभी 39 हैं. अभी पूछे बोले तो डीडीटी हाउसे शीघ्रता से खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गुजरते हैं और जैव आवर्धन का कारण बनते हैं क्योंकि डीडीटी है डीडीटी री रेज आर रेपिडली पासिस फूड चेन और कोजिंग बाय मैग्नीशियम क्यों क्योंकि क्या कारण हो सकता है वाटर सोलबल होते हैं लिपिड सोलबल होते हैं मॉडरेटली टॉक्सिक होते हैं नॉन टॉक्सिक टू एक्वेटिक एनिमल्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है फूड चेन के थ्रू पास होते हैं मैं कभी किसी कॉपी नहीं करती परसू बेटा मुझे सारे क्वेश्चन सही चाहिए तुम्हारे हम्म मैं भी नहीं करता मैं नहीं करता आर के कुमा सर डी नॉन टॉक्सिक टू एक्वेटिक फिर कैसे डेथ हो जाती है उसके अंदर पानी के अंदर रहने वाले जो प्लैंकटॉन वगैरह जो वगैरह उनके कैसे डेथ हो जाती है क्या होती है? गलत कर रहे हैं लिपिड सोलूबल होती है भी आंसर जाएगा। बिल्कुल निकिता यू आर राइट यू आर राइट महिपाल मेरे लाडले बच्चे को मैं कहा थर्टी नाइन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अब दूसरी पीडीएफ ओपन करते हैं बेटा बताओ क्वेश्चन नंबर फोर्टी कुछ न्यू डिजाइन में चेंज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई यहां पर कौन सी एक पेयर ग्लैंड नहीं है टेस्टिस सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सर एक बार मेरे सुन लो मेरे लाडले बच्चे चंचल जी, मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है आंसर दो बेटा आंसर दो क्वेश्चन यहां पर है निम्नलिखित में से कौन सी मानव जाती है? जो पेड़ नहीं है सारी पेड़ है लेकिन वो सिंगल पाई जाती है चालीस में से सेमिनल वेसिकल टेस्टिस और कॉपर्स ग्लैंड इनकी तो क्या होती है इनकी संख्या तो दो दो होती है बट प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है केवल क्या होती है सिंगल होती है मेंटेन करने के रखती है एसिडिक मीडियम ठीक है ठीक है, है देख लूंगा चंचल तेरे कमेंट भी देखूंगा बेटा बहुत अच्छी बीमारी है मतलब किसी को नहीं होनी चाहिए ये ठीक है नहीं तो आदमी किसी काम का नहीं रहता है ठीक है ना इधर का ना उधर का क्रिप्टनो किडिज क्या होता है कि मतलब पहले तो इसको समझो मैं अगर मैं तुम्हें जर्नली में बताऊं कि जब आप बचपन में एम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर थे तो आपके जो वर्तन होते हैं अबडोमिनल कैविटी में होते हैं टेस्टिस जो होते हैं अबडोमिनल कैविटी में होते हैं ठीक है तो वो अबडोमिनल कैविटी से नीचे अगर आ जाए जब तो आप मानव बन जाते हो मेल बन जाते हो अगर नहीं आ पाते हैं तो ना मेल रहते हो ना फीमेल रहते हो ठीक है कुछ और ही बन जाते हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो क्वेश्चन बताओ फोर्टी वन का क्या होगा सर आप दो ईयर पहले बच्चों को सर बोलते थे ना मतलब क्या कहना चाह रहे हो देखिए सर तो सर का मतलब क्या होता है सामने वाले को रेस्पेक्ट देना और क्या एक क्यों बता रहे हो भाई नोट बी अबेंसिया वर्षन कांड में आना कि कोटम में आना यहां सेकंड जाएगा सो तो टेम्परेचर टेंपरेचर पर स्पर्मेटोडिनेसिस नॉर्मल फर्टिलिटी ये तो सारे कोटम वाला आएगा ना ऑप्शन निम्नलिखित कौन सी स्थिति में उस व्यक्ति में अनुपस्थित नहीं होगी जो क्रिप्टिनिज्म से ग्रस्त है ग्रस्त होगा तो उसके अंदर दिक्कत कुछ और ही आएगी क्लियर नहीं दिख रहा भाई बहुत क्लियर दिख रहा है हमें तो अमिताभ जी भी आएगा ध्यान से बढ़ते नहीं हो क्वेश्चन को ज्यादा जूम करेंगे तो फिर वो पूरा नहीं दिखता पार्ट ऑफ ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो मेल की नहीं फीमेल की भी होती है तो बेटा ढाई हजार के लगभग है और राजस्थान एक ऐसा स्टेट बन गया है अब जिसके हर एक जिले के अंदर गवर्नमेंट की बीएससी नर्सिंग की कॉलेज है आने वाले समय के अंदर हर एक जिले के अंदर एमबीबीएस कॉलेज भी सर बी बिल्कुल सही है यूरेथरा तो दोनों मगर मुत्तर भाई महिलाएं टॉयलेट नहीं करती है क्या करती है ना पुरुष भी करते हैं तो दोनों केंद्र होगा यूरेथ्रा वाला सिस्टम दोनों के अंदर होगा हैं तो यहां पूछा है कि मेल रिप्रोडक्टिव रिटेटेस्ट मेल का है वास्ता फंसिया मेल का है वास्ता डिफरेंस इज ऑल्सो द मेल पार्ट बी बी, बी 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 ये तो सब बताएंगे ये तो सब बताएंगे इस दा क्या क्वेश्चन है मतलब दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को पढ़ के पढ़ दिया मैंने तो तुम पढ़ लो कि मतलब जो चूजे होते हैं ना चूजे कई और भी होते हैं वो अलग है ठीक है मैं उनकी बात में करूंगा इज द एग रेस्पिबल फॉर सेक्स ऑफ चिक्स बोले तो चूजो के लिंग का निर्धारण मेल करेगा या फीमेल करेगा चिकन जिसको हम बोलते हैं अरे मुर्गिया में आदमी है या औरत ये आदमी डिसाइड करेगा या औरत डिसाइड करेगी बताओ भाई सर आपने सबसे पहले मेरे कोचिंग से मेरी लाइफ है ना ऐसी मतलब अजीब तरह की दास्ता है जिंदगी की सुनाऊंगा कभी अमिताभ चौधरी जी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो बी बी गुड 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 सही है भाई एग के ऊपर बिकॉज फीमेल आर हिट्रोगेमेटिक कैसे फीमेल होती है जेड डब्ल्यू और मेल जो होते हैं वो क्या होते हैं जेड जेड ठीक है बिल्कुल सही है बीस सारे बच्चों का तो एक चीज ये भी याद रख सकते हो कि जो सिक्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं की संख्या कितनी होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेवन ठीक है क्यों क्योंकि जो अंडाणु होते हैं वो पक्षियों में कैसे होते हैं मादा विषम की होगी और में की होगी तो किसके द्वारा होगा एग के द्वारा ना किस के द्वारा बी 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 अब आया कॉन्फिडेंस ऐसा क्वेश्चन याद रख लेना और वो मेल और फीमेल वाला चक्कर याद रख लेना द बेस्ट टर्म फॉर बेस्ट ट्रम फॉर म्यूटेशन विच अराइव टू चेंजेस इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए मतलब चेंज तो म्यूटेशन होगा सडन चेंज इन नोन एज द म्यूटेशन भाई जीन में अचानक परिवर्तन को म्यूटेशन कहेंगे अब की बार क्या कर दिया म्यूटेशन किस में लेके कि आ गए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में देन उसके लिए सही शब्द क्या है क्रोमोसोमल एब्रेशंस पॉइंट म्यूटेशन या यूप्लोइडी या फिर एनप्लोइडी बहुत स्पष्ट रूप से डेफिनेशन लिखवा रखी है जेनेटिक्स में तुम्हें अरे भाई ए बेस पेयर ऑफ डीएनए क्या है तुम्हें अब मैं तुम्हें समझाता हूं सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए जीन।, जीन जीन जिसको समझ में आ गया उसको सारी चीज आएगी भाई जीन क्या होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए डीएनए का टुकड़ा होता है कौन है जीन ठीक है जिसका अगर अर्थ निकालने बैठोगे तो उसका अर्थ क्या आता है ग्रोथ करना वर्दी करना जीन जो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो लाड लो बच्चों पढ़ो क्वेश्चन को आज बच्चे ज्यादा नहीं है आज पता नहीं कैसे लाइव नहीं कोई दिक्कत नहीं कल आ जाएंगे जीन तो का अर्थ क्या है ग्रोथ करना जीन क्या है सेगमेंट ऑफ डीएनए ठीक है जीन यूनिट होती है किसकी क्रोमोसोम्स की की इकाई होती है तो यहां चेंजेस टू ए सिंगल बेस तो पेयर ऑफ डीएनए तो बेस पेयर में चेंजेस होगा तो किसमें चेंज होगा जीन में तो यहां पर क्या होगा तो यहां पर अभिवर्तन गुणसूत्रीय जाएगा बी वाला बोर्ड की स्क्रीन किलर है अच्छी लग रही है धन्यवाद अगर ये अच्छी लग रही है तो यही कंटिन्यू रख लेंगे ठीक है बेटा गलत नहीं करना है गलत सारे गलत कर रहे थे वाह भाई वाह 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 फ्यूचर वा। प्लान है माहिराजी मेरे से बात कर लेना बेटा समझा दूंगा तुम्हें कैसे क्या करना है मनीषा शर्मा कह रहे तेरे बस की नहीं है पढ़ाना जाकर ग्रामीणों के क्या कह रहा है मनीष बेटा मेरे साइड में तो डीजे चल रहा है अच्छा अब गलत कर दिए बेटा सारे <laughs> बच्चे गलत कर दिए वाह भाई वाह है अगला क्वेश्चन फोर्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी अच्छा है जेनेटिक्स का सिकल सेल एनिमिया इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ भाई आपके सामने लिख रखा है कि जो धात्री कोशिका है वो रक्त साधाह इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन ट्रांसलोकेशन या डिलेशन सिकल सेल एनीमिया के अंदर सिंगल चीज तो चेंज होती है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लो आंसर दो भाई फिर बी, 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 बी। गलत कर रहे हैं फिर गलत कर रहे हैं हाय हाय मेरे एक भी बच्चे क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हैं गुस्सा आ रहा है अरे कोई तो सही बता दो इसका एक ने भी सही नहीं बताया सन्नी सैनी बिचारा खुद कॉन्फिडेंस डेवलप करके सही बताया है अब बीस से अब आए हो ना फ्रेम फ्रेम भाई फ्रेंस्टिप्ट में क्या समझा रखा है डिलीशन या फिर ऑफ़ सिंगल बेस पेयर वो इसमें तो यही तो होता है तुम क्या कर रहे हो पॉइंट म्यूटेशन थोड़ी है दड़ मार रहे हो तुम पढ़ लिए बेटा ऐसे सो करोगे क्या तो मिसेस तो ऐसे करोगी क्या तो मिसेस तो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना परसों वाली पेपर में सही करके दिखाना तुम ईमानदारी से बाकी ईमानदारी अगर यहाँ बेईमानी करोगे तो पेपर में तो बेटा तुम्हारा रिजल्ट सामने आएगा कैसा तुमने क्या कर रखा है Which of the निम्नलिखित में से कौन सा जबड़ा मछलियों के उद्ध विकास को संभावित समय था प्यारे बच्चों यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन विच ऑफ द प्रोबेबल टाइम फॉर इवोल्यूशन ऑफ जालीज पांच सौ मिलियन ईयर सगो तीन सौ पचास मिलियन ईयर ago, दो सौ मिलियन सगो छह सौ मिलियन सगो हाँ सारा कर दे बेटा प्रमोशन <laughs> सर वो सुबह सारण वो क्लास सीट फलानी डिगड़ी बेटा वो राजस्थान जीके के पढ़ाते हैं यहाँ साइंस चल रही बायोलॉजी क्या यार तुम तो मूर्ख हो क्या अनपढ़ गवार हो क्या आके कमेंट कर देते झील कर जो खोल के कमेंट कर देते हैं पचास तो आईडी बना दी तूने मेरे से कोडी इनक्रेट जीरो जीरो सेवन बना दी ब्लॉक करो रे इन को आज मतलब दो, तो तो दो, दो चार दिन तक तो बकवास करेंगे दो या चार या पांच दिन ज्यादा ज्यादा फिर उसके बाद अपना आप शांत हो जाएंगे जब इनको करारा जवाब मिलेगा ना मैं उसी का वेट कर रहा हूँ लैब असिस्टेंट के रिजल्ट का साइंस वालों का और मुझे सौ परसेंटेज भरोसा है बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा क्योंकि मेरे से बच्चे दिन रात मैसेज कर रहे हैं ये बोर्ड रिजल्ट निकालने के लिए बहुत ज्यादा देरी कर रही है बहुत ज्यादा नंबर नंबर आ रहे हैं बच्चों के वेट कर रहा हूँ डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे वो बच्चे आएंगे ना तब तब अपने आप करारा जवाब मिलेगा और तुम लोग है ना पढ़ो बेटा मेहनत करो इनको करारा जवाब देना एक दिन विच ऑफ फॉलोइंग लाइक रेप्टाइल तो कल प्रश्न बताया भी था की जैसा रेप्टाइल कौन सा या सोर्स थे या सोर्स थे, थे या फिर ट्राइकेरी थे? जल्दी बताओ कविता मीना जी बोलिए बेटा आ जाएगा आएगा तो तुम्हारे सामने बी 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 बिल्कुल सही है जो जो है या जो है या वो क्या है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है वो क्या है रेप्टाइल है जो किसके दिख जैसे दिखाई देते हैं किस मछली की तरह हाँ वो भी पूर्णिया है तू भी पूर्णिया बेटा नीरज जा सब जानता हूं मैं तुम्हारी कहानी कहा कमेंट कर रहा है तू

बट फंक्शंस क्या थे प्यारे बच्चों जिनका सेम थे सेम इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर इज नोन एज द एनालॉगस और वो क्या करते थे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करते थे उसका एग्जांपल था और अडॉप्टिव म्यूटेशन का एग्जांपल आल्सो था तो यहाँ पर क्या जाएगा इक्तियोसोरस था पेलक्यूओसोरस था थिरियोसप्रिस था या सोरोप था क्या था अंतर देने की कोशिश करो 48 नंबर के क्वेश्चन में दो तो क्वेश्चन और है देन हम इस आज की क्लास को समाप्त करेंगे सर। तो कोई नहीं आप पूर्णिया तो क्या हो गए सब हैं और भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं जो था एक वो लड़का आया था कौन था नीरज पूनिया तो उसकी बात कर रहा था तो किसन और है फिर खत्म क्यों गलत कर रहे हो एक बच्चे ने अर्पण ने सही दिया सर इस्टियो सोरस फर्स्ट राइट आंसर जाएगा मुर्गे की लड़ाई में उपयोग आने वाली मुर्गे की नस्ल ब्रीड ऑफ फोवल यूज ऑफ कोक फाइटिंग तोड़कनाथ मुर्गा था व्हाइट लेग हॉर्न था असील था या ब्रह्मा अरे कौन सा मुर्गा था जिससे आपस में लड़ाई करवाई जाती है खेल है आंसर दो आंसर 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 राइट आंसर दो भाई कौन सा मुर्गा लड़ाई करने में काम आता है लेवल प्रैक्टिस बिल्कुल बेटा धन्यवाद अमित जी बिल्कुल 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 असील असील आएगा बेटा असील अरे कड़कनाथ तो क्या है काले कलर का मुर्गा जिसका मतलब मांस बहुत ज्यादा वैसे तो खाते पता नहीं लोग क्यों है ये भी चीज नहीं खानी चाहिए ये मतलब झारखंड वगैरह के अंदर काफी ज्यादा मात्रा मिलते हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन देन लग जाएगी ऑफ दी फॉलोइंग अफेक्ट बर्ड्स कौन सा रोग मुर्गी पालन को प्रभावित करता है रानी खेत डिजीज को मलेरिया ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बताओ रे बताओ बताओ सुनो क्या सुनाना चाह रहे हो संभव इंस्टीट्यूट जिसको पीडीएफ जहां लेनी है पे लेनी तो पे मैसेज कर देना और अपने घर तक लेनी है तो सिलेक्शन करवा लेना उसके बाद मिल जाएगा क्योंकि घर तक नहीं जाता बेटा ऑनलाइन हो जाएगी ऑफलाइन नहीं जा सकती या जी एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहां से मिल जाएगा तो राइट आंसर जाएगा फोर्थ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड भाई रानीखेत डिजीज़ है रानीखेत डिजीज़ भूल गए जो आपको बर्ड फ्लू जिसको हम बोलते हैं बर्ड फ्लू पुलोराम ये दोनों डिजीज़ हैं जो पॉलिट्री बर्ड्स को प्रभावित करती है ए अकेली नहीं है बेटा दूसरा भी है ठीक है अब मेरी बात सुनो नो पचास स्टेंस हो हमारा टारगेट है एक हजार का जो बोलते हैं वो मैं पूरी चीज करवाता हूं राफेल सीरीज करवाई सारी चीज करवाई आगे सब कंप्लीट होगा एक हजार क्वेश्चन की एमसीक्यू की सीरीज है बच्चा ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप खुद देखो एनालिस कर रहे हो कि 25 क्वेश्चन से ले रहा हूं मैं अभी जिसमें सारे चैप्टर्स के कवरअप करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक चैप्टर के आज मैंने

इनमें से इनमें सत्ताईस सितंबर को पता मैं क्या करूंगा सितंबर का मेरा टारगेट मेरे को समझ में आया ये क्वेश्चन तो तो है, है कुछ अदर बुक्स भी हैं लेकिन सत्ताईस सितंबर को अपन लगेंगे सुबह आठ बजे बारह आवर्स की मैराथन लेंगे ना उसमें सुबह आठ बजे लगेंगे शाम के आठ बजे तक लगातार खेलेंगे पारी धुआंधार है। और लेन बताने की जरूरत नहीं बेटा पूरी ट्वेल्थ चल रही है अब पूरी चल रही है और उसमें जो करवाऊंगा मैं नीट के, नीट के के प्रीवियस एम्स के नर्सिंग के नर्सिंग के कुछ प्रीवियस में इन वन थाउजेंड में भी उठा के लेके आ रहा हूं तो वो एक अलग लेवल रहेगा और जैसे ही ये मेरी क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको बर्थडे गिफ्ट दिया जाएगा क्या आपको सारे जो प्रीवियस ईयर से मैंने टाइप करवाए सेलेक्टिव नीट के एम्स के इन सब के वो एक साथ तुम्हें भेज दूंगा एक साथ भेज दूंगा पीडीएफ डीएफ फ्री वेट करना भगवान करे इस दिन कोई भी दिक्कत नहीं आए कोई टेक्निकल समस्या नहीं आए मैं बारह घंटे खेलूंगा दोबारा से एक बार फिर ठीक है जी टेस्ट यूट्यूब पे होगा और हाँ सर जी आप आरपीएमटी के बोल रहे थे हाँ बिल्कुल इसमें मैं और ये भी तो उठा रहा हूँ इसमें राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट आरपीएमटी के भी तो लूंगा क्यों टेंशन ले रहे हो आरपीएम टी के उठाऊंगा नीट के उठाऊंगा एम्स के उठाऊंगा प्रीवियस इयर्स उठाऊंगा सत्ताईस सेप्टेम्बर को सारे प्रीवियसरियस अच्छे लेवल के ले हाँ मॉडल आज रात तक शायद अप्लीकेशन में अपडेट आ जाएगा फिर वो निन्यानवे रुपए की टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर दूंगा आज या कल के अंदर तो वो आपको मिल जाएगी भाई मैं खुद मैं खुद यार मेरे मेरे को पैसे नहीं कमाने क्या मुझे आपको कुछ नहीं देना क्या ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ये सारा प्ले स्टोर जब अप्रूवल करता है क्योंकि मैं जो टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ ना वो बहुत बहुत ही अलग लेवल की जितनी आपने ऐपे देखी होगी उनसे सबसे हटकर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होगी तबर करो बर का फल हमेशा तो बहुत बेहतरीन मिलता है बेटा और ये टेस्ट सीरीज आपको जल्द ही मिल जाएंगी ऐप के अंदर ठीक है ठीक है और जो बच्चे रियल में, अभी से मतलब फालतू में कहीं दूसरी जगह इधर उधर ना बटके उनको मैं बता देता हूं कि आपका ये कोर्स अभी से चल चुका है जो बच्चे ले रहे हैं इसमें एक अक्टूबर को लाइव क्लास शुरू हो जाएगी इसमें जो बच्चे 2023 के लिए कर रहे हैं जिसका इस साल का टारगेट नहीं 2023 का टारगेट है ये सारी चीजें मैं दूंगा आठ सौ इक्यावन रुपए का कोर्स है अभी परचेज कर लो ऐप में फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या पता आगे वैलिडिटी में बढ़ा सकता हूँ किसकी इसकी फीस बढ़ सकती है आगे अभी जिसको लेना ले लो ठीक है और प्लीज सारे लाडले बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास कैसी लगी ठीक है धन्यवाद

ठीक है और जो चैप्टर नहीं आता दिनेश सर से बात करो मैं करवाऊंगा आपकी ठीक है आजकल इतना धन्यवाद जय हिंद और जिसको कुछ भी लेना हो कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर मैसेज कर देना जय हिंद अगेन प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करें आपका एक एक कॉमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके कॉमेंट में पढ़ता हूँ जिसका अच्छा लगता है उसको दिल भी देता हूँ ठीक है जय हिंद अगेन